अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं और ट्वेल्थ बाय डेट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि ट्वेल्थ बाय डेट की 29 सितंबर को बॉम्बे में हुई मीटिंग के बारे में जिक्र किया था, और उसमें जो मेजर डिसीजन मेन कमेटी में हुआ था तो उसके बारे में बताया था कि उसमें सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही गई थी। उसके तुरंत बाद 30 तारीख को आईबीए ने लेटर जारी करके सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और उसकी मीटिंग भी बुलाई है। मैं आपको दोनों लेटर का टेक्स्ट आपको दिखाना चाहूँगा, और आशा की जाती है कि इस कमेटी द्वारा जल्दी ही निर्णय कर लिया जाएगा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि कमेटी बनने में टाइम लगेगा, डिस्कशन होने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे डेट जल्दी जल्दी डाल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ आईबीए इस बायपार्टाइट में जल्दी सेटलमेंट करने के मोड में है। आइए, मैं जो यूएफपीयू का लेटर जिसमें कमेटी सेटअप करने की बात की गई थी उसको भी, और आईबीए का लेटर कमेटी के इनविटेशन का और अगली मीटिंग का आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कल कहा था कि एवोक द्वारा ये 30 तारीख का लेटर है जिसके बेसिस पे उन्होंने यूएफबीयू का लेटर फॉरवर्ड किया था 29 तारीख का, जिसका नंबर है 2023/14 डेटेड 29 सितंबर 2023 बायपार्टाइट सेटलमेंट के राउंड 3 मीटिंग का। कल मैं इसमें डिटेल जिक्र कर चुका हूँ। मैं अब आपको सिर्फ एक ये पैरा को दिखाना चाहूँगा जिसमें कि ये कहा गया था कि टू डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज इन डिटेल सब कमेटी हैव बीन फॉर्म सो दैट द इश्यूज रेज बाय अस कैन बी डेल्ट प्रॉपर डिटेल बिफोर टेकिंग डिसीजन। रिवाइज अवेयरनेस अलाउंस कमेटी अंडर 12/9 जॉइंट नोट। ये वाली कमेटी सेटअप कर दी गई है और इसी के लिए अब आईबीए ने अपना लेटर जारी किया है। ये आईबीए का लेटर एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन नंबर एचआर एंड आईआर MBR/12/BPS/30/9/2023 का ये एड्रेस किया गया है सीजीएम एचआर एंड एसबीआई कन्वेनर। ये सीजीएम एचआर एसबीआई कन्वेनर सब कमेटी के हेड होंगे, और ये दूसरे जो इनवाइट किया गया सीएच वेंकटेश्वरम जीएस एआईबीईए और सीजीएम एचआर बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों सीजीएम हैं जो कि एचआर के हैं, और इनको सब कमेटी के मेंबर और कन्वेनर हैं। ये लेटर श्री एस के बंगलिस जी एस एन सी बी आई बी और ये कॉपी है श्री रूपम रॉय जी एस एबॉब। डियर सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप टू डिस्कस डीए फार्मूला 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट ऑब्लिक 9th जॉइंट नोट। एज पर द डिसीजन इन द नेगोशिएटिंग कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2023, अ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैज बीन फॉर्म टू डिस्कस द डिमांड फॉर न्यू डीए फार्मूला आफ्टर मर्जर ऑफ 8088 पॉइंट एंड द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट बाई कैलकुलेटिंग डीए एज पर द सीपीआई 2016 इक्वल टू 100 इंस्टेड ऑफ सीपीआई 1960 इक्वल टू 100 एंड फर्दर क्रिस्टलाइज द मैटर फॉर फर्दर सबमिशन टू द नेगोशिएटिंग कमेटी। ये जो सब कमेटी सेटअप की गई हैं ये डिस्कशन के लिए, ये दूसरे पैरा में लिखा है, वी देयर फॉर रिक्वेस्ट यू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग ऑन 11th अक्टूबर 2023 10:30 AM एट कमेटी रूम एसबीआई कॉरपोरेट सेंटर मुंबई। काइंडली अरेंज एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस लेटर। वार्म रिगार्ड यूअर्स फेथफुली ब्रजेश्वर शर्मा सीनियर एडवाइजर एचआर। ये ब्रजेश्वर
आईबीए की तरफ से जो ब्रजेश्वर शर्मा जी है सीनियर एडवाइजर एचआर, ये ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट यही कर रहे हैं पूरे इस आईबीए के नेगोशिएशन को, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को। तो उन्होंने ये जो मीटिंग का वेन्यू है उसको कन्वे किया और डेट कन्वे किया जो 11th अक्टूबर 2023 है स्टेट बैंक के कॉरपोरेट ऑफिस में, क्योंकि इसमें कन्वेनर CGMHR स्टेट बैंक है। तो उन्होंने स्टेट बैंक के ही कॉरपोरेट सेंटर में ये मीटिंग रखी गई है। दोस्तों इस लेटर से अब ऐसा लगता है कि आईबीए इस बाइपार्टाइट की स्पीड को थोड़ा सा तेज करेगा। हालांकि जब सब कमेटी बिठाई जाती हैं तो इसके भी नेगोशिएशन में टाइम लगता है और डीए के फार्मूले के लिए भी, अभी तो यूनियन द्वारा एसोसिएशन द्वारा आईबीए से डाटा मांगा गया है, एक हफ्ते में आईबीए ने डाटा प्रोवाइड करने की बात करी थी और इसके साथ ही डाटा मिलते ही इस ढंग से 11 अक्टूबर को ये मीटिंग की गई है जो कि 30 तारीख से लगभग 2 हफ्ते का टाइम है। और आशा की जाती है ये जो सब कमेटी है वो भी अपना डिसीजन जल्दी दे देगी। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि 12th बाइपार्टाइट को आईबीए जल्दी से आगे बढ़ाना चाहता है। अब ये निर्भर करता है यूएफबीयू के रिप्रेजेंटेटिव जो कन्वेनर हैं वो कितनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन करके अपने डिमांड्स को कमेटी के सामने रखते हैं और कमेटी किस ढंग से कितनी जल्दी एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे या रिकमेंडेशन पे पहुंचती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट थोड़ा सा अपने लाइन में है जो कि पहले बाइपार्टाइट के मुकाबले जल्दी खत्म हो सकता है, बशर्ते कि एसोसिएशन और यूनियन पूरी तरह से अपना होमवर्क करके और जल्दी से इसको ख़त्म करना चाहें। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा और साथ ही ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए अपने कमेंट अवश्य करें। साथ ही जल्द वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।